हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल trexplorers.com। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं मुंबई से आगे एक बहुत ही फेमस जगह लोनावला में, और लोनावला से भी आगे कुछ 11 किलोमीटर की दूरी पर एक अलग और जगह पे, जो बौद्ध धर्म और साथ ही साथ हिंदू धर्म के अकॉर्डिंगली काफ़ी फेमस और आध्यात्मिक रूप से इम्पोर्टेंट जगह है। तो दोस्तों, यहाँ हम पहुँचे हैं लोनावला से कोई 11 किलोमीटर की दूरी पर कार्ला केव्स के स्थान पर। तो यहाँ कार्ला केव्स जो हैं, वो एक तरह से भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में कार्ली में चट्टानों को काटकर बनाया गया एक प्राचीन बौद्ध गुफाओं का परिसर है। और यहाँ कार्ला केव्स के साथ साथ ही एक वीरा नाम की देवी का मंदिर है, जो हिंदू श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी महत्ता रखने वाला आध्यात्मिक स्थल है। ये मंदिर कार्ला के, यानी कि कार्ला की जो गुफाएं हैं, उसके साथ ही स्थित है। तो अभी हम जो जा रहे हैं, तो अभी जो ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये एक तरह से अभी माता जो है देवी, एक वीरा देवी है, उनकी तरफ लेके जा रहा है। और यहाँ पे रास्ते में प्रॉपर एक बाजार है पूरा भरा हुआ, जहाँ पे आपको देवी को चढ़ाने के लिए चढ़ावा, जो भी श्रद्धालु आप चढ़ाना चाहते हैं, वो सब यहाँ रास्ते में मिलता है। जैसे आप देखा जाए, जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं, तो जैसे वैसे रास्ता होता है, रास्ते में देवी के लिए जो जो आप सामान खरीदना चाहते हैं, वैसे वैसे आपको रास्ते में पूरा एक मार्केट है, पूरा बाजार है रास्ते भर में। और जो ये रास्ता है, हमें ऐसे पैदल चल के जाना होता है, जो ज़्यादा दूर नहीं है, हालांकि वैष्णो देवी की तरह नहीं है इतना लंबा रास्ता, बट हाँ, थोड़ा सा आपको चल के जाना पड़ता है। तो यहाँ से हम पहुँचेंगे उस स्थल पे जहाँ पे जो कार्ला केव्स और एक वीरा देवी का टेम्पल दोनों साथ साथ हैं। तो अभी तो यहाँ पे जो जितने भी आप लोग देख रहे हैं, वो श्रद्धालु हैं जो मंदिर की तरफ जाने के लिए बढ़ते जा रहे हैं, और वहाँ पे बहुत महत्ता है माता रानी की, इसलिए वहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। मोस्टली पुणे से जो लोग हैं, वो यहाँ पे आके देवी के दर्शन करते हैं और उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं, और जो भी कोई मनोकामना लेकर आते हैं उसके लिए यहाँ पे पूजा अर्पण करते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं गुफाओं के, कार्ला की गुफाओं के स्थान पर, और ये बौद्ध गुफाओं का परिसर है। और इसका निर्माण प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से पांचवी शताब्दी ईस्वी तक किया गया था। अनुमान है कि सबसे पुरानी गुफा का निर्माण 160 ईसा पूर्व में किया गया था, तो ये काफी प्राचीन है। और ये गुफा के बगल में ही जो है एक वीरा देवी का टेम्पल है। इस मंदिर में जिस देवी माँ की पूजा की जाती है, उनके बारे में मान्यता है कि वे भगवान परशुराम की माता रेणुका की अवतार हैं। तो जैसे देखिए, आप श्रद्धालु यहाँ पे जाते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, और काफी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, इनकी काफी मान्यता है। अब यहाँ से हम सामने कार्ला गुफा की तरफ एंटर करेंगे। यहाँ पे टिकट चेक होती है, और टिकट चेकिंग के बाद आपको एंट्री मिलती है कार्ला गुफा के परिसर में। तो ये गुफाएं अब एट प्रेजेंट जो है ASI के अंडर आती हैं, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। यहाँ से चेकिंग होती है, और आगे आपको अपने जूते चप्पल जो है, फुटवेयर जो है, उतार के अंदर जाना होता है। तो कार्ला गुफा पुणे से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये जो है एक तरह से क्या है, गुफाओं में
अंदर जो है प्रकाश के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियां चट्टानों में चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। तो यहाँ पे आप बहुत ही अद्भुत, मतलब जैसे होता है कि पत्थरों को काट के, चट्टानों को काट के जैसे नक्काशी की गई है, वो आपको देखने को मिलती है। और ये समूह जो है ना, पूरी तरह से 16 गुफाएं हैं, जिसमें से तीन जो महायान गुफाएं कहलाई जाती हैं। तो जो अधिकांश गुफाएं लीना हैं, जिसमें महान चैत्य गुफा संख्या 8 का बड़ा विवाद है। तो 8 नाम की जो चैत्य गुफा है उसको काफी मानी जाती है। ये गुफा HD जो भारत में सबसे पूर्ण चैत्य गुफा है, और उस समय खुदाई की गई थी जब शैली अपनी सबसे बड़ी शुद्धता में थी। तो इस गुफा में देखें अगर, तो इसमें ये अपनी व्यवस्था में शुरुआती ईसाई चर्च जैसा दिखता है, जिसमें एक नाड़ी और अर्ध गुंबद में समाप्त होने वाली एक नवे और साइड एसिलस शामिल होती है, जो गोल को घेर लिया जाता है। प्रत्येक तरफ 15 खंबे गुफा से गुफा को अलग करते हैं। प्रत्येक खंबे का एक लंबा आधार, एक अष्टकोणीय शाफ्ट और समृद्ध रूप से सजावटी पूंजी है, जिसमें घुटनों के दो हाथी होते हैं। प्रत्येक में दो आंकड़े होते हैं, आम तौर पर एक आदमी और एक महिला, लेकिन कभी कभी दो महिलाएं इस तरह के गहने से बहुत बेहतर निष्पादित होती हैं, आमतौर पर होते हैं। पीछे घोड़े और बाघ होते हैं, प्रत्येक में एक ही आकृति होती है। तो काला में ये महान चैत्य गुफा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह हमारे साथ बनी रहेगा, हमारी अगली वीडियो में आप देखेंगे लोनावला की एक और ऐसी ही बौद्ध धर्म की इम्पोर्टेंट जगह, जिसका नाम है भजा केव्स। तो जो आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।